हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन जीएस में। और आज हम देखने जा रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट 3, जिसमें कि हमारा मेन फोकस होगा यमुना रिवर सिस्टम पर। और ये वीडियो मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है, मेरा नाम है अभिनव राज। तो ये वही नदी है यमुना, जिसकी कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ये टेम्पल है यमुनोत्री का, ये सब विशेष हम देखेंगे इसी लेसन में। तो चलिए शुरू करते हैं यमुना रिवर से। यमुना जिसको जुमना नाम से भी जानते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जुमना। और इससे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये जमुना है, क्योंकि ये जो जमुना नदी है ये बांग्लादेश की नदी है। और एग्जैक्टली बोलें तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जानते हैं, लेकिन हमारी जो इंडिया की रिवर है यमुना, उसका दूसरा नाम जुमना है, जुमना। और ये यानी कि यमुना रिवर गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। देखिए, अब यहाँ लॉन्ग और लार्ज में अंतर समझिए। लॉन्ग तो हो गया कि लंबाई से, कि सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी हो गई यमुना नदी गंगा की, लेकिन लार्जेस्ट ये यानी कि पानी के वॉल्यूम की बात हो रही है। तो ये जो नदी है जो सब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कहलाएगी गंगा की, वो है घाघरा, ठीक है, जिसको कि करनाली नाम से भी जानते हैं, सरधा नाम से भी, चौक, करचा, ये सब नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से यमुना सेकेंड लार्जेस्ट हो गई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। और ये गंगा नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो अब आगे देखते हैं कि इसका ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति इस नदी का कहां से है। तो यमुना नदी ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि करीब 6400 मीटर के हाइट पर है। और ये बंदरपुछ पहाड़ी के साउथ वेस्टर्न स्लोप से निकलती है। फिर से एक बार इसको मेंशन कर रहे हैं, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये ग्लेशियर बंदरपुछ पीक के साउथ वेस्ट स्लोप पर है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी स्लोप या ढाल पर है, ठीक। और ये अपर मोस्ट रीजन है लोअर हिमालयन उत्तराखंड में, यानी कि जो हिमालय पर्वत हुआ लोअर हिमालय, उसका ये सबसे ऊंचा हिस्सा है, जहां पर कि ये यमुनोत्री ग्लेशियर है और बंदरपुछ पीक है, और उसके साउथ वेस्टर्न पीक से ये नदी निकलती है। वहां जो माउंटेन रेंज पड़ेगा उसको लोकली हम बोलेंगे कि ये मसूरी रेंज है लोअर हिमालय का। और जो डिस्ट्रिक्ट हुआ उत्तराखंड का वो है उत्तरकाशी, जो कि हरिद्वार जो है डिस्ट्रिक्ट या टाउन उसके नॉर्थ में पड़ता है। तो चलिए मैप से देखते हैं, ये उत्तराखंड का मैप है जिसमें कि ऑरेंज वाला पोर्शन को कहते हैं कुमायूं डिवीजन, और ये जो लाइट कलर से दिखाया गया है ये है गढ़वाल डिवीजन। तो गढ़वाल डिवीजन में ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, जो कि ठीक है, मेंशन किया गया है कि हरिद्वार के नॉर्थ में, तो हरिद्वार के नॉर्थ में तो है। तो यहीं से यमुनोत्री से या यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है और इस तरह से ये बहती हुई आती है, जिसका कि हम आगे चर्चा करते जा रहे हैं। तो देखिए, एक बार हम मान लेते हैं गंगोत्री को रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि इसको हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये हो गई गंगोत्री, यानी जहाँ से कि गंगा नदी का ओरिजिन है, और मोर प्रिसाइजली भागीरथी रिवर। तो इसके वेस्ट में यानी कि पश्चिम में आप देख पा रहे हैं ये यमुनोत्री ग्लेशियर है। तो इसी जगह से निकली है यमुना नदी और फिर इस तरह से बहती आ गई है। पहले जाती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और यहाँ पर यमुनोत्री के बगल में गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, जिसके बारे में आप विशेष पढ़ लेंगे तो प्रीलिम्स के लिए बेटर रहेगा। ये देखिए, यमुनोत्री टेम्पल इज अ श्राइन डेडिकेटेड टू द गॉडेस यमुना, यानी हिंदू मैथोलॉजी में यमुना रिवर को गॉडेस के बराबर या गॉडेस माना गया है। और इट इज वन ऑफ द होलीएस्ट श्राइन्स इन हिंदुइज्म एंड इज ए पार्ट ऑफ छोटा चारधाम यात्रा सर्किट। तो ये हो गया इसके बारे में। अब आगे देखते हैं कि ये यमुना नदी जिस रीजन से फ्लो करके आती है तो कौन कौन से ज्योग्राफिकल फीचर्स बनाती है। तो सबसे पहले देखिए इंटरलॉकिंग स्पर्स, अभी इसके बारे में हम मेंशन करेंगे, लेकिन विशेष जानकारी के लिए आप जीसी लियोंग का जो बुक होता है सर्टिफिकेट ज्योग्राफी, उसका पेज नंबर 42 को रेफर कर सकते हैं।
इसके अलावा स्टीप रॉक बेंचेज गॉर्ज गॉर्ज के बारे में हम इंदस और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। तो डायरेक्ट राइट कॉर्नर में आप यहाँ क्लिक करके वो लिंक देख पाएंगे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का। गंगा ब्रह्मपुत्र नहीं, ब्रह्मपुत्र और इंदस। इसके अलावा स्ट्रीम ट्रेंचेज दून, ये सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स बनाती है अपार्ट फ्रॉम प्लेन, मैदानी भाग में तो ये बहती ही है। और इस क्षेत्र का जो हाईएस्ट पीक है वो है कलंग, 6387 मीटर के हाइट पर है, हाईएस्ट पॉइंट है यमुना बेसिन का। तो देखिए जैसे कि स्पर क्या होता है, इस बात को समझिए, जब बहुत ही स्टीप स्लोप से नदी आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होता है जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो उसका इरोडिंग कैपेसिटी बहुत हाई होता है, तो सीधी नदी नहीं चलती है, इस तरह से जाई वहाँ टकराएगी और फिर ऐसे इस तरह से टकराते हुए, जैसे कि ये तो पता चल ही रहा है कि फिंगर इंटरलॉक किया हुआ है, तो इस तरह का जो फिजिकल फीचर बनाते हुए ये रिवर क्रॉस करती है, तो इसको ही इंटरलॉकिंग स्पर कहते हैं। जैसे यहाँ देख पाइए, जैसे पहले ऐसे आ रही है नदी, फिर इधर मुड़ी, फिर इधर, तो जैसे हाथ का इंटरलॉकिंग है उसी तरह से ये पहाड़ को कट करते हुए आती है और ये जो फीचर बनाती है इसको इंटरलॉकिंग स्पर बोलते हैं। और ये फिर टेरेस है जिसके बारे में हम लोग जब फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे तो डिटेल में स्टडी करेंगे। और यही है कलंग जो कि यमुना इंटायर यमुना बेसिन का हाईएस्ट पीक है और ये बंदरपुच जहाँ से यमुना का ओरिजिन है। अब देखिए एक आया था वर्ड डून, तो डून क्या होता है, तो द डून वैली इज यूजुअली वाइड लॉन्ग वैली विद इन द शिवालिक हिल्स इन लेसर हिमालयज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। तो डून ऐसा सिंपली भाषा में हम बोलें तो डून क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र में एक थोड़ा वाइडर यानी कि चौड़ा सा प्लेन मैदान हुआ जिसमें कि कहीं कहीं ऊंचे उठे स्थल भी होते हैं, प्लेन है। और उसका एक एग्जांपल जैसे बहुत सारे दून्स हैं जैसे देहरादून कोटली दून पोटली दून, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं देहरादून को जो कि उत्तराखंड की राजधानी भी है। तो देहरादून के नजदीक में ही एक जगह है डाक पहाड़ जहां पर कि ये नदी है यमुना प्लेन्स में आती है यानी मैदानी भाग में आती है, दून वैली में आती है। और देहरादून फेमस है बासमती राइस के लिए। ओके, तो ये देखिए ये डाक पहाड़ बैराज है जहां पर कि वाटर डाइवर्ट किया जाता है कैनाल्स में और फिर यहाँ पावर जनरेशन का भी काम किया जाता है। ये डाक पहाड़ बैराज है। ओके, अब देखते हैं आसन बैराज को। तो यमुना नदी में आसन नदी लेफ्ट हैंड साइड से आके मिलती है यानी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो द डैम क्रिएट्स आसन रिजर्वायर अल्सो कॉल्ड दलीपुर लेक, यानी कि आसन बराज जहां यमुना नदी में आके मिलती है उस जगह को आसन रिजर्वायर बोलते हैं, वहां जो रिजर्वायर बनाया गया है या उसी को जो लेक है उसको दलीपुर लेक बोलते हैं। और ये बहुत ही पॉपुलर है बर्ड वाचिंग के लिए जहाँ पर कि 53 स्पीसीज के बर्ड्स देखे जाते हैं और इसमें से 19 स्पीसीज जो हैं माइग्रेटरी बर्ड्स हैं यूरेशिया से, यानी जिसको हम लोग आम बोलचाल के भाषा में साइबेरियन बर्ड्स भी बोल देते हैं उन्हीं की बात की जा रही है। ये सारे जगह हम मैप पर देखेंगे लेकिन पहले हम एक एक करके डिस्कस करते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब यमुना नदी उत्तराखंड के बाद थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में आती है। वैसे सुन के थोड़ा अजीब लगता है कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में है क्या, तो हाँ थोड़ा सा उसका पार्ट यमुना नदी का हिमाचल प्रदेश से होके आगे बढ़ता है। वो जगह है पोंटा साहब और ये पोंटा साहब जो जगह है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हिमाचल प्रदेश के। जगह फेमस है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, यहाँ पर अच्छी अच्छी जो कंपनीज हैं इंडिया की फार्मास्यूटिकल्स की जैसे सन फार्मा या मैनकाइंड, ये सारे कंपनीज यहाँ पर हैं। इसके अलावा सीमेंट प्रोडक्शन का भी काम होता है। और पोंटा साहब में जो एक गुरुद्वारा है जिसका कि स्थापना किया गया है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जो कि
दसवें गुरु थे सिख के, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है इस बार के प्रीलिम्स के हिसाब से, क्योंकि उनका जन्म का 350 वर्ष यानी कि बिहार में प्रकाश उत्सव मनाया गया था, तो हो सकता है एसोसिएटेड उनसे जगह पोंटा साहब आपसे पूछा जाए। और ये यमुना नदी के राइट बैंक पर एसोसिएटेड है यानी कि दाहिने किनारे में। अब देखिए वो यही जगह है जिसको कि रेड कलर से हम इनसर्कल करके दिखा रहे हैं। तो ये जो अभी हम मार्क कर रहे हैं ये हिस्सा हो गया हिमाचल प्रदेश का, ये तो समझ में आ रहा है उत्तराखंड है, और ये वाला हिस्सा उत्तर प्रदेश का, और अभी जो कलर कर रहे हैं ये हरियाणा। हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ये यमुना नदी है जो कि स्काई ब्लू कलर से दिखाई जा रही है, तो ये डाक पत्थर हो गया, इस जगह को डाक पत्थर, जहां पर कि यमुना नदी प्लेन्स में आती है, और डाक पत्थर में ही टोंस नदी मिलती है यमुना में। अब देखिए ये है आसन नदी, आसन नदी जो कि यमुना में आके मिल रही है, और यहाँ पर ही आसन रिजर्वायर है जहाँ पर कि बर्ड वाचिंग का भी नज़ारा है। और ये जो देख पा रहे हैं जगह, ये पोंटा साहब है यमुना नदी के दाहिने किनारे पर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए हम बॉर्डर के हिसाब से बांट दिए हैं, ऑरेंज कलर वाले जो जगह हैं ये बॉर्डर्स हैं, तो देख पा रहे हैं कि ये उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का ये पोंटा साहब, और ये पूरा हिमाचल प्रदेश ये हुआ यहाँ तक, तो ये हिस्सा हुआ हरियाणा का, और फिर इधर ये उत्तर प्रदेश हुआ। तो ये ऐसा जंक्शन है हिमाचल प्रदेश के पास कि यहाँ पर चार स्टेट्स आपस में मिल रहे हैं। यहाँ से एक ट्रिकी क्वेश्चन भी बन सकता है कि जहाँ पर चारों स्टेट मिल रहे हैं तो नॉर्थ में कौन सा प्लेस होगा, साउथ में कौन सा है, या कौन स्टेट नॉर्थ में पड़ता है, साउथ में कौन वहाँ पड़ रहा है, तो उस जगह को थोड़ा अच्छे से आप मॉनिटर कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि हरियाणा में जब नदी जाती है यमुना, तो वहाँ पर क्या है नज़ारा। तो यमुना नदी हरियाणा में जो जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले जाती है उसका नाम ही है यमुना नगर, इस नदी के ही नाम से है, जहाँ की एक डैम बनाया गया था 1873 में, और यहाँ से दो कैनाल्स निकाल जाते हैं यानी दो नहर निकाले गए हैं यमुना नदी से। एक को कहते हैं वेस्ट यमुना कैनाल या वेस्टर्न यमुना कैनाल, और दूसरा हो गया ईस्टर्न यमुना कैनाल, ठीक है, जिसे कि सिंचित किया जाता है हरियाणा और उत्तर प्रदेश को मेनली, ठीक है। और जो वेस्टर्न यमुना कैनाल है ये क्रॉस करता है जिन जिन यमुना सॉरी वेस्टर्न यमुना कैनाल यमुना नगर करनाल और पानीपत जिले जो हैं हरियाणा के, उनसे होके गुजरता है। देखिए तो ये यमुना नगर हो गया, और यही वो जगह है जहाँ पोंटा साहब था, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश। तो यमुना नगर में जो डैम है वहां से दो नहर निकाली गई, एक वेस्ट साइड में जा रही है एक ईस्ट साइड में, ऐसे समझें तो। लेकिन जो वेस्ट साइड में जा रही है वो तीन जिला का नाम दिया गया है कि उससे होके गुजरती है, कि यमुना नगर, करनाल और पानीपत। और हम यहाँ पूरब वाले की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ईस्टर्न यमुना कैनाल की, ठीक है। लेंथ एंड एरिया कवर्ड, अब यमुना नदी की टोटल लंबाई जान लें तो 1376 किलोमीटर है, और इसका ड्रेनेज एरिया जो है स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो 3,66,000 करीब स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और इंटायर गंगा बेसिन का यानी जो गंगा का बेसिन है उसका अकेले 40% करीब ये क्षेत्रफल कवर करता है। अपने आप में ये बहुत बड़ा फिगर है, आप ध्यान दीजिए। और एक मजेदार बात यमुना नदी के बारे में ये है कि इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया विच डज नॉट डायरेक्टली फ्लो इन द सी। वैसे इंडिया में यमुना से तो बहुत लंबी लंबी नदियां हैं, लेकिन वो सारी नदियां जाके कहीं ना कहीं उनका जो माउथ है वो सी में है, या वो बंगाल की खाड़ी में गिरे, अरबियन सी में गिरे, लेकिन यमुना इकलौती या ऐसा कह लें कि सबसे लंबी वो नदी है जो कि समुद्र में जाके नहीं गिरती है, ठीक है। चलिए अब इस मैप के थ्रू देखते हैं कि ये जो क्षेत्र हो गया ये गंगा बेसिन है। गंगा बेसिन के वेस्ट साइड में अरावली माउंटेन,
उसके साउदर्न बाउंड्रीज बनाती हैं विंध्य माउंटेन और छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ईस्ट में पड़ता है, अब यहाँ शुरू हो जाता है इधर ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन। तो इसके बीच में जो क्षेत्र पड़ रहा है ये गंगा का बेसिन है, जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया है, और इसका करीब 40% जो क्षेत्रफल है ये कहें कि यमुना नदी का है, ठीक है। और यही वो घाघरा नदी है जो कि गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बोली गई, और ये है यमुना। आप मैप के थ्रू देख पाएंगे कि इनका क्या लोकेशंस है, ठीक है। अब देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये वेस्ट बंगाल। इन्हीं सारे राज्यों को मिला के बोलेंगे हम कि ये गंगा नदी का बेसिन है। कहने का मतलब इतने क्षेत्र, और ये जो दिल्ली है ये भी, कहने का मतलब है कि इतने क्षेत्रों का जो जल है सारे जगह का पानी आके यमुना नदी में मिल रहा है। थोड़ा सा गलत हुआ बोलने में, इन क्षेत्रों से निकलने वाला जो पानी है, ड्रेनेज जो सिस्टम है, वो सारा वाटर आके गंगा नदी में अल्टीमेटली मिलता है, ठीक है। और एक जो देश हुआ ये नेपाल, नेपाल का भी वाटर आके गंगा को ही कंट्रीब्यूट करता है। अब स्टेट्स एसोसिएटेड विद यमुना नदी, यमुना नदी से जो स्टेट्स एसोसिएटेड हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, न्यू दिल्ली और उत्तर प्रदेश। वैसे तो न्यू दिल्ली एक स्टेट नहीं है, ये न्यू कैपिटल रीजन है, लेकिन इसको अर्ध स्टेट भी बोलते हैं। तो जो ये जो स्टेट्स हैं रिलेटेड हैं यमुना नदी से, इनको मैप के थ्रू हम देख रहे हैं, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये छोटा सा ये दिल्ली ब्लू कलर में, और ये उत्तर प्रदेश। इन्हीं जगहों से होके कहीं ना कहीं यमुना नदी गुजर रही है। तो हम लोग यमुना नदी को हरियाणा तक तो देख ही लिए कि हरियाणा में इंटर कर रही है यमुना नगर में, और कैसे कैसे ये दो कैनाल्स यहाँ से स्प्लिट होते हैं। अब देखते हैं यमुना नदी के ट्रिब्यूटरीज को। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ। तो हर वीडियो में मेरे ये होता है कि राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, और कैसे जानेंगे कि किसी भी नदी का कौन सा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन लेफ्ट बैंक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप ऐसा समझिए कि आप अपना सर नदी के बहाव के दिशा में करके तैरते हैं, तो जिधर आपका दाहिना हाथ पड़ेगा उस साइड से नदी में मिलने वाले जो नदियां होंगी उसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इसी तरह से जो राइट हैंड साइड में शहर पड़ेंगे या टाउन्स, उन्हें राइट बैंक सिटीज या टाउन बोलेंगे, और लेफ्ट साइड पड़ने वाले लेफ्ट बैंक टाउन्स एंड सिटीज, ठीक है। तो देखिए ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। तो टोन्स ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और ये डाक पत्थर के नजदीक में मिलता है यमुना नदी में। हम लोग ये डाक पत्थर जगह देख पाए हैं अभी तक। उसी तरह से ये गिरी नदी जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, आसन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और ये पोंटा साहब के करीब में मिल रहा था यमुना में। हिंडौन जो कि ओखला के, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, आसन और हिंडौन, ये देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। हिंडौन जो कि ओखला यानी गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश के मिल जाएगा यमुना में, और ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। और चंबल, सिंध, बेतवा, इन नदियों का विशेष चर्चा पहले हो चुका है, आप ये यहाँ पर जो लिंक आ रहा है उसको क्लिक करके इन नदी के बारे में देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एक बात ध्यान देने वाला ये है कि ये जो टोन्स नदी है इसको कन्फ्यूज नहीं होइएगा, तमसा एक नदी है मध्य प्रदेश में जिसको कि टोन्स नाम से भी जानते हैं। तो टोन्स ये उत्तराखंड की नदी है, ठीक। अब देखिए ट्रिब्यूटरीज थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो यमुना नदी का जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी उत्तराखंड में है वो है टोन्स, और ओवरऑल ट्रिब्यूटरीज में जितनी भी सहायक नदियां हैं यमुना की उनमें सबसे बड़ी जो नदी हुई वो चंबल नदी है, ठीक है। अब देखिए एक चीज देखते हैं, ये द्वाब क्या होता है। तो द्वाब जो वर्ड है दो वर्ड से मिलके बना है, दो प्लस अब, तो दो मतलब तो दो हो गया और अब मतलब होता है जल, यानी दो नदियों का पानी
से बना जो क्षेत्र है उसको द्वाब बोलते हैं और बहुत ही फर्टाइल होता है। और जो गंगा यमुना का द्वाब है ये तो वर्ल्ड फेमस है क्योंकि इतना फर्टाइल रीजन शायद ही है कहीं दुनिया में, और ये सबसे ज़्यादा लोगों को लाइफ लाइन या कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का लाइफ लाइन है या लाइफ प्रोवाइडर है। तो यही ये गंगा यमुना द्वाब हो गया, ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या है कि हाई फर्टाइल एलुवियल सॉयल है गंगा यमुना द्वाब का, जो रीजन बिटवीन इटसेल्फ गंगा एंड इंडो गंगेटिक प्लेन, समझ गए इस बात को। और ये आप देख पाइए, ये जैसे नदी है, ये चंबल, ये सिंध, ये बेतवा और ये केन, ये यमुना नदी और ये गंगा नदी, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और कुछ जानकारी लेते हैं यमुना के बारे में। तो 57 मिलियंस पॉपुलेशन यानी कि 570 लाख आबादी यमुना नदी के पानी पर आश्रित है, डिपेंडेंट है किसी न किसी रूप में। द रिवर अकाउंट फॉर मोर देन 70% ऑफ दिल्लीज वाटर सप्लाई। जस्ट लाइक गंगा, यमुना टू इज हाईली वेनेटेटेड इन हिंदुइज्म एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस यमुना थ्रू आउट इट्स कोर्स। ठीक है, तो ये सब चीज आप वीडियो पॉज करके एक बार अपने से पढ़ भी लेंगे। इसी तरह से हिंदू मैथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि जो यमुना है ये डॉटर ऑफ सन गॉड है, यानी सूर्य देवी, सूर्य देव की बेटी, और यम जो कि मृत्यु के देवता माने जाते हैं उनकी बहन है। इसी से बहुत बार यमुना को यमी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये जिस जगह पर जाके गंगा नदी में मिल जाती है उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम अलाहाबाद में। और त्रिवेणी संगम कहने का मतलब है कि वहां तीन नदियों का मिलना माना जाता है, गंगा यमुना और एक मिथिकल सरस्वती। ठीक है, और इस जगह पर अलाहाबाद में प्रत्येक 12 साल में कुंभ मेला का आयोजन होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में ये मेंशन करिए कि एक कुंभ मेला का आयोजन इंडिया में किन-किन जगहों पर होता है और किन-किन नदियों पर होता है। ओके, तो ये पुल है न्यू यमुना ब्रिज जो बोलते हैं, जो लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है इंडिया में। ये केबल स्टेट ब्रिज यानी तार से ये खींचे जो ब्रिज बने हुए हैं, तो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है। इसके अलावा अलाहाबाद में जानने वाला ये बात है कि ये अकबर के द्वारा दिया गया नाम है, जो कि 1565 में उसे अपना एक ये प्रोविंस बनाए थे, और इसका ये मतलब होता है कि जहाँ अल्लाह का वास हो, अलाहाबाद। इसी तरह से अलाहाबाद में समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति और उनके जो कवि हरिसेन है, चंपू काव्य। तो इतिहास में तो हम नहीं जा रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स आ रहे हैं आपके, तो ये सारी चीज़ आपको जानने पड़ेंगे। उस तरह से ये देखिए, ये यमुना नदी है और ये है गंगा नदी, ये शहर है इलाहाबाद का। तो आप देख पा रहे हैं कि यमुना नदी के लेफ्ट बैंक पर इलाहाबाद शहर बसा हुआ है। ठीक है, अब यमुना का चर्चा होगा तो पॉल्यूशन की तो बात आएगी ही, क्योंकि पॉल्यूशन के टर्म्स में तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है। द वाटर ऑफ यमुना इज रीजनेबली गुड क्वालिटी। ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा कि कैसे हम बोल रहे हैं कि रीजनेबली गुड क्वालिटी का है, लेकिन हाँ है। यमुनोत्री से लेके जहाँ ये हिमालय से निकल रही है और दिल्ली के पहले वजीराबाद तक, या दिल्ली का जो एरिया है वजीराबाद तक, यहाँ तक ये प्योर वाटर है, बहुत ही हाई क्वालिटी का वाटर है। लेकिन वजीराबाद में क्या है कि बहुत बड़े बड़े 12 गंदे नाले आके इसमें मिलते हैं, जो कि हर कुछ मिला देते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर से लेके इंडस्ट्रियल और फार्म्स के जो इंटीसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, मतलब जितने तरह के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, पॉल्यूटेंट्स, सब कुछ यहाँ वाटर में मिला दिया जाता है। और फिर यमुना तो फिर इतनी गंदी हो जाती है, ये आप नज़ारा देख पा रहे हैं, जैसे ये देखिए। और ये जो आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए कि ये आइस है और ग्लेशियर है, तो जी बिल्कुल नहीं, ये झाग है, ये इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन है। इसी तरह से ये मड कितना यमुना का, और ये ताजमहल के पीछे का एरिया, और ये पॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं नदी का किस तरह से, इसका मतलब कहेंगे कि हार्श रियलिटी है। अब थोड़ा सा कैचमेंट एरिया के बारे में जान लेते हैं कि कैचमेंट एरिया में कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कौन सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है। तो कैचमेंट एरिया के टर्म्स में
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से 21.5%, हिमाचल प्रदेश से 1.6%, हरियाणा से 6.5%, राजस्थान करीब 30%, मध्य प्रदेश 40.6% और दिल्ली 0.4%। तो देखिए सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश हुआ, क्यों? क्योंकि ये चंबल नदी का जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा वाटर कंट्रीब्यूट करता है यमुना को। उसके बाद जो स्थान आता है राजस्थान का, और फिर कंबाइंड रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ओके, तो अब चलिए फिर से इस मैप को देखते हैं। अब हमें ये ज़्यादा मैप समझ में आने वाला है। ये गंगोत्री, गंगोत्री के लेफ्ट में या वेस्ट साइड में कह लें, पश्चिम में यमुनोत्री, और ये गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। इसके बाद अब देखिए, आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, अब डाक पत्थर आपको नजर आ रहा होगा कि हाँ ये डाक पत्थर है, उसी तरह से ये पोंटा साहब, ठीक है। तो 2D में देखने के बाद चीजों को समझना 3D के हिसाब से थोड़ा आसान हो जाता है। तो चलिए हम ट्यून करते हैं, 3D में देखते हैं गूगल अर्थ में के मदद से। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं यमुनोत्री को। ये देखिए ये कितना रग्ड माउंटेन है, जो कि बंदरपुछ माउंटेन कहेंगे पिक, और उसके साउथ वेस्ट साइड से ये जो नदी निकल रही है वही यमुना है। और ये देखिए किस तरह से ये ग्लेशियर्स भरे हुए हैं, यही पिघल पिघल कर थोड़ा थोड़ा पानी आता है, वहाँ पानी का वॉल्यूम बहुत कम होता है। और यहाँ पर जो ये ओम का सिंबल देख रहे हैं, ये डेजिग्नेट कर रहा है यमुनोत्री टेम्पल को, जिसको कि हम लोग पहले देख चुके हैं। और तब ये नदी किस तरह से देख रहे हैं कि साउथ और वेस्ट वार्ड ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि हम थोड़ा सा देखेंगे ये जो पोंटा साहब का क्षेत्र था, थोड़ा इसको देखते हैं। पोंटा साहब तो आपको याद आ ही गया होगा कि हम उस जंक्शन का बात कर रहे हैं जहां पर कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चारों मिल रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो ये पोंटा साहब है जहां पर कि टेम्पल है पोंटा साहब का, गुरु गोविंद सिंह से एसोसिएटेड है। और देखिए उससे थोड़ा सा पहले यही दिखाने का कोशिश कर रहे हैं ये दलीपुर लेक, जिसको कि हम ये भी जानते हैं कि ये यहाँ पर जो लेक बन रहा है ये आसन नदी का बराज है। ये आसन नदी आ रही है इधर आके और ये लेफ्ट साइड से मिल रही है यमुना में, तो ये आसन का बराज है। और यहाँ पर ये जैसे देख पाएंगे कि ये आसन बराज है, तो ये डक्स वगैरह यहाँ पर होंगे। ये आसन बराज डैम है और यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, जिनका कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, तो उनका एक एक ग्लांस हम देख लिए हैं यहाँ पर पिक्चर। अब देखिए ये नॉर्थ वार्ड बढ़ते हैं, तो जो हमको जगह दिखेगा कौन सा आपके दिमाग में आ रहा है? डाक पत्थर। देखिए ये डाक पत्थर वो जगह है जहाँ पर कि यमुना नदी प्लेन्स में आती है, ठीक है। और यहाँ पर जो नदी आके इसमें, ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा ये जो नदी आके मिल रही है ये यमुना नदी में, यही टोंस नदी है। तो यहाँ पर अगर देखने लायक जगह ये है, तो ये पिक्चर देखिए किस तरह से यमुना प्लेन्स में आ रही है और कितना प्योर वाटर है यहाँ पर, जिसको कि दिल्ली और आगरा के वाटर से तो कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से और यहाँ पर देखने लायक जो जगह होगा, तो रिवर यमुना जो है ये देख लीजिए पिक। अब हम लोग थोड़ा सा ट्यून करते हैं और देखेंगे दिल्ली के पास यमुना को। उससे पहले देखिए ये फिर ये हरियाणा हो गया, ये यमुनानगर और ऐसे होते हुए पानीपत, सोनीपत, ये आ जाती है दिल्ली के पास। तो दिल्ली के पास ये ओखला बर्ड सेंचुरी यहाँ पर, जो कि ऐसे बोलने में बोलते हैं ना, नोएडा का जो एरिया है, तो ये ओखला बर्ड सेंचुरी जहाँ पर कि ये दिल्ली के बगल से गुजर रही है, तो दिल्ली इसके राइट बैंक पर बसा हुआ है। और फिर ये नदी आगे बढ़ती है, तो ये देखिए ये यहाँ पर ओखला में ही यानी कि गौतम बुद्ध नगर में हिंडौन नदी यमुना नदी से मिल रही है, लेफ्ट हैंड साइड से आके हिंडौन मिल रही है यमुना में। और हिंडौन तो फेमस है एयरबेस के लिए भी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखना है वो जगह जहाँ पर कि
यमुना मिलती है जाके गंगा में राइट हैंड साइड से, यानी कि अलाहाबाद। ये देखिए, ये जो ऊपर से वाटर आ रहा है ये गंगा रिवर का है और ये यमुना है। आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ यमुना का ज़्यादा है गंगा के तुलना में। तो 58% करीब जो वाटर अलाहाबाद में आ रहा है वो यमुना लाती है और बाकी का 42% ही गंगा नदी लाती है। उसके बाद गंगा नदी में पानी का वॉल्यूम आप देख पा रहे हैं कैसे बढ़ गया है, ठीक है। तो इतना होने के बाद चलिए अब थोड़ा सा और जो थोड़े एक दो टॉपिक बचे हैं उनको देखते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जो देख पा रहे हैं ये यही ओखला बर्ड सेंचुरी है और वहाँ पर ये नॉर्थ सोवेलर जो ये डक का ब्रीड है ये बहुत पॉपुलर है। बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए मेरे चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, या आपको लगे कि इसमें मैंने कुछ गलत बता दिया हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे, तो वो भी मेंशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।